आप सभी का मैं सबसे बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ महिला भर्ती के बारे में। जी हाँ, बीएसएफ में 2020 में महिलाओं के लिए जो बम्फर भर्ती आई है उसमें 10वीं और 12वीं पास लड़कियों के लिए भर्ती है। और भर्ती होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए या क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आज मैं वो सब कुछ आपको बताऊँगा। साथ ही में हम आपको आर्मी के बारे में, जो लड़कियों के लिए आर्मी में भर्ती आती है या बीएसएफ में भर्ती आती है या पुलिस में भर्ती आती है, तो सब हम जानकारी लड़कियों को देते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप भर्ती होना चाहती हैं, आपका भी सपना है बीएसएफ में जाने का या आर्मी में जाने का, बचपन से कोई सपना है और आप पूरा करना चाहती हैं, और आपकी भी ख्वाहिशें होंगी कि आप एक अच्छी सी जॉब मिले और आप अपना खर्चा खुद से मतलब निकाल सकें, तो सबसे पहले मैं बता दूंगा, यदि आप भी देश की सेवा करना चाहती हैं तो तुरंत जानकारी से जुड़ें। और यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे यहाँ से लाल बटन जो सब्सक्राइब का दिख रहा है कॉर्नर में, उसको वहाँ पर आप दबाइए और बगल में बेल आइकन को दबाइए। हर आर्मी की हो गई, बीएसएफ की हो गई, पुलिस की हो गई, सारी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिलेगी जब भी आप अपने मोबाइल में इंटरनेट ऑन करेंगी। तो चलिए आज की इस भर्ती के बारे में बताएंगे, हम बीएसएफ के बारे में पूरी नोटिफिकेशन आपको बताएंगे। चलिए, जो भी आपका सपना है पूरा करने में हम मदद करेंगे और जितनी भी जानकारी है सब बताएंगे। आज हम बताएंगे कि आपको, आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक, भर्ती होने के लिए, चाहे बीएसएफ हो चाहे पुलिस हो, और ये जो वैकेंसी आई है उसे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं या आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए बात कर लेते हैं बीएसएफ एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए बीएसएफ में भर्ती होने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले ये बताएंगे आपको। चलिए, आपको सबसे पहले बता दूँ कि आप 10th पास या आप 12th पास सबसे पहले होनी चाहिए यदि आप आर्मी में चाहे बीएसएफ में जाना चाहती हैं, तो ये दोनों आपके पास होना ज़रूरी है। और उसमें पोस्ट क्या होती है लड़कियों के लिए, सबसे पहले ये जो पोस्ट आई है या आती है, अक्सर कांस्टेबल की पोस्ट होती है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, असिस्टेंट की पोस्ट होती है, हेड कांस्टेबल की पोस्ट होती है और हेड कांस्टेबल फिल्टर की पोस्ट होती है। ज़्यादातर लड़कियों को इनमें ज़्यादा सीट होती है और ये सिर्फ 10th पास होती हैं। अगर आप 10वीं पास होती हैं तो इसे अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही मैं आगे बताऊंगा आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी लंबाई, मतलब सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को भगा के मत देखिए, बस 2-3 मिनट तक लगातार देखिए, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, साथ ही में बीच में आपको व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया जाएगा या कॉन्टैक्ट का नंबर, आप पूछ भी सकते हैं यदि आपको समझ में नहीं आया। चलिए यहाँ पे देखते हैं एज लिमिट इसकी क्या होती है, जैसे आप बीएसएफ में जाना चाहती हैं एज लिमिट इसकी क्या होती है। 18 साल से 23 साल तक इसकी एज लिमिट होती है लड़कियों के लिए। ठीक, और उसमें एज के लिए थोड़ा 1-2 साल 3 साल की छूट भी मिल जाती है, और वो छूट कैसे मिलती है वो भी बताएंगे। यदि आप एक्स सर्विस मैन की बेटी हैं तो भी छूट मिल जाएगी, SC ST से बिलोंग करती हैं तो भी छूट मिल जाएगी, OBC से हैं तो भी छूट मिल जाएगी, लेकिन जो इसकी मिनिमम है कम से कम 23 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मैंने बताया सिर्फ 10th चाहिए, सिर्फ क्लास 10th आपको पास होना चाहिए। हाइट में आपको 1.57 हाइट होती है महिलाओं के लिए, यानी 1.50 से या 55 से ऊपर इनकी हाइट रहनी चाहिए, या 1.57 इसमें फिक्स है, और 1.70 मेल के लिए होता है। ठीक, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल कैंडिडेट 157। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सबसे पहले बताएंगे ये हाइट हो गया। चेस्ट इसका देखिए 5 सेंटीमीटर लड़कियों को फुलाना होता है जब उसका नापा जाता है तो। ठीक, और वेट का कोई मेजरमेंट नहीं है, वेट आपका 70 kg से ऊपर नहीं होना चाहिए और 40 kg से नीचे भी नहीं होना चाहिए। ठीक, और छूट किन महिलाओं के लिए मिलती है, 1-2 साल 3 साल की, जो महिलाएँ बिलोंग करती हैं उत्तर प्रदेश से नहीं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हो गया, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, दुर्गा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब स्टेट की जो ये लिस्ट है यहाँ पर कुछ महिलाओं को छूट मिलती है। ठीक, हाइट में सब में छूट मिलती है। चलिए बता देते हैं उनकी फिजिकल वगैरह क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है। तो फीमेल के लिए देख लीजिए, जैसे हाइट 1.55 होती है, ठीक, बैकवर्ड क्लास की जो होती हैं, SC ST की जो होती हैं उनके लिए होता है। और शेड्यूल ट्रिम्बल के लिए थोड़ा सा और छूट मिल जाती है, 1.50 हाइट कर दिया जाता है। चलिए आपके लिए बता दें, आप किसी भी भारत के किसी भी 2800 राज्यों के लिए भर्ती है, तो ये मत सोचिएगा कि ये भर्ती हमारे लिए नहीं है, ये आप ही के लिए नोटिफिकेशन है, किसी और के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होता है, और फिजिकल में आपको दौड़ लगानी होती है, 2-4 स्टेप ऊपर नीचे अप डाउन करने होते हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग जंप होता है, थोड़ा सा हाई जंप होता है, यही 5-6 फिजिकल का टेस्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। और आपको रिटन एग्ज़ाम भी देना होता है, रिटन एग्ज़ाम देना होता है, आपको 100 क्वेश्चन आता है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर या 2 नंबर का होता है, टोटल आपका हो जाता है 200 नंबर, और पासिंग मार्क आपका कम से कम यदि 100 क्वेश्चन है तो आपको ज़्यादातर 50 से ऊपर ही अटेंड करने रहते हैं सही क्वेश्चन।
ठीक, यहाँ तक मैंने ये बता दिया। और लॉन्ग जंप, हाई जंप रेस यहाँ पे देख सकते हैं, फीमेल के लिए 1600 मीटर मिलती है, 8.5 मिनट का टाइम मिलता है। हाई जंप उनका होता है 9 फीट होता है, ठीक, और 3 चांस दिया जाता है कूदने के लिए। लॉन्ग जंप होता है 3 फीट और इसमें भी 3 चांस दिया जाता है कूदने के लिए, ठीक। तो बहुत ही मेरिट लिस्ट भी आराम से वो लोग पार कर लेते हैं, इसमें कोई टफ नहीं होता है लड़कियों के लिए भर्ती। साथ ही साथ बताएंगे फिजिकल एजुकेशन में, यदि हाई मतलब कांस्टेबल से ऊपर यदि देखती हैं तो आपको 12th पास होना चाहिए, या तो आप पॉलिटेक्निक या तो ITI या तो मतलब कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 12th पास हैं PCM ग्रुप से तो भी आप देख सकती हैं आराम से ऊपर की भी भर्ती उसकी। साथ ही साथ मैं बता देता हूँ, यहाँ पे चेस्ट वगैरह देख सकती हैं, वेट का कोई मेजरमेंट नहीं होता है। SC ST वगैरह का हाइट में थोड़ा छूट मिल जाता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल जो स्टैंडर्ड होता है, यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया है कि आपके हाइट वगैरह सब कितनी रहनी चाहिए, जम्मू कश्मीर से हैं तो कितना होगा, हिमाचल प्रदेश से हैं तो कितना होगा, स्टेट वाइज सबको छूट मिलती है, तो उसका मत डरिएगा। 20 से 25 साल तक देख सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा रूल को फॉलो करना पड़ता है, ठीक। अगर मेरी बात आपको नहीं समझ में आ रही तो बताइएगा, क्वेश्चन पेपर के बारे में मैंने बता दिया, एग्ज़ाम भी आप लोग को देना पड़ता है और फिजिकल निकालना पड़ता है, उसके बाद आपको भर्ती हो जाती है। दो प्रोसेस होता है, महिलाओं को सबसे पहले फिजिकल हो गया और एग्ज़ाम हो गया और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ये 3 स्टेप पार करते ही लड़कियों के वर्दी मिल जाती है, ठीक, और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे मैंने सारा कुछ फिजिकल के बारे में बता दिया, क्या क्या होता है, कितने मीटर की दौड़ होती है, कितना टाइम मिलता है। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और यदि आपका सपना चाहते हैं ना टूटे तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर एक जानकारी मिलेगी। साथ में आप कॉन्टैक्ट नंबर भी ले सकती हैं, यदि आपको कोई दिक्कत है या बात समझ में नहीं आई तो आप कॉल करके भी पूछ सकती हैं, 8279436440। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो, 8279436440, 8279436440। चलिए ठीक है, यहाँ तक यदि आपने वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। हम सिर्फ महिलाओं के लिए मदद करते हैं कि कब किन की भर्ती आ रही है। अगर चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे लाल बटन दिया है, तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकॉन है दबा लीजिए, ताकि लड़कियों की हर भर्ती आपको टाइम टू टाइम मोबाइल में, जब भी मोबाइल में इंटरनेट ऑन करें तो आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।